जितना गुण हम गाएं।
मिल गई, आखिर वो नागिन मुझे मिल गई। छोड़ दो इसे, छोड़ दो। कौन हो तुम? भाई, सर्प तो भगवान शंकर के गले का श्रृंगार है और आज महाशिवरात्रि का दिन है। इस शुभ दिन पर सर्प को पकड़ना महापाप है। पाप और पुण्य का विचार करना ये हम सपेरों का काम नहीं। और फिर ये तो वो नागिन है कि जिसकी तलाश में मैं मुद्दतों से भटक रहा था। अब मैं धनवान हो जाऊंगा। धनवान? कितना धन चाहिए तुम्हें? कोई 5-10 हजार। लो, इसकी कीमत होगी 25 हजार। ये लो भाई, 25 हजार। और इसे छोड़ दो। हे भोलेनाथ, हम हर साल आपके दर्शन के लिए आते हैं, लेकिन आज तक हमारी आशा पूरी नहीं। सुनिए। जय हो देवी। आज तुमने हमारी रक्षा करके हम पर बहुत बड़ा उपकार किया है, हम बहुत प्रसन्न हैं। कुछ देवी, मांगो? आपके आशीर्वाद से हमारे पास धन दौलत सब कुछ है, लेकिन संतान न होने से ये सब सुख व्यर्थ है। दुनिया वाले मेरा मुंह देखकर अपना मुंह फेर लेते हैं। मैं पांच हूं, पांच हूं। तुम्हारे भाग्य में संतान का सुख नहीं है। अगर संतान होगी भी तो तुम उसका सुख नहीं पा सकोगे। लेकिन मैं माँ तो बन सकती हूँ ना? ये कलंक, बांझ का ये कलंक तो मेरे माथे से मिट सकता है ना? हाँ, तुम माँ बनोगी। हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जाओ, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। धन्य हो देवी। अगर वो देवी वहां नहीं आती तो मैं उस सपेरे के जाल से कभी नहीं छूट सकती थी। धन्य है वो देवी। मैंने इस उपकार के बदले में उन्हें संतान होने का वरदान दे दिया। तुमने अच्छा किया। भगवान भोलेनाथ शीघ्र ही उसकी गोद भरे। अरे सुनते हो एजी, सुनते हो? क्या बात है, आसमान से पे उठा रखा है। अरे माला ही जपोगे या घर की कोई चिंता करोगे? सबकी चिंता करने वाला तो वो भगवान है, मगर तुम किस चिंता में डूबी हुई हो? तो सुन लो चिंता की बात, तुम्हारे बांझ भाभी को बच्चा होने वाला है। शिव शंभु, शिव शंभु। शांता तो बड़ी खुशी की बात है। भाड़ में जाए तुम्हारी खुशी। उसके घर औलाद हो गई तो हमारे हाथ से सब कुछ निकल जाएगा, सब कुछ निकल जाएगा। नहीं, शांता ऐसा न कह। बहुत दिनों के बाद मेरे बड़े भाई के यहाँ भगवान ने ये दिन दिखाया। भगवान मेरे बड़े भाई को खुश रखे। ऐसा न कह, ऐसा न कह। भगवान, कैसे आदमी से पाला पड़ा, मेरे तो भाग फूट गए, मेरे तो भाग फूट गए। भैया, भैया, आज मैं बहुत खुश हूँ। बरसों के बाद इस घर में उजाला होने वाला है। मैं भी बहुत खुश हूँ। नाग माता की कृपा से हमारे भाग जागे। लो, लक्ष्मी आई है। पार्वती, पार्वती, देख लक्ष्मी आई है। देख कितनी सुंदर है, देख कितनी सुंदर है लक्ष्मी। मेरी बच्ची कितनी प्यारी है। भगवान ने मेरी सुंदरी यहाँ बैठ बैठ। अरे सुनते हो, सुनो, सुनते हो, बधाई हो, आपके घर में भी पैदा हुई है, साक्षात लक्ष्मी का अवतार है। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। भैया, 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 ये क्या हो गया? मेरी परवाह मत करो, मुझे अपनी बेटी के पास ले चलो भैया। मेरी बेटी के पास ले चलो भैया। मेरी बेटी मुझे दो, मैं इसे सीने से लगा लूं। नाग माता की बात सच निकली। जीवन भर जिसके लिए तड़प रहा था, आज आज वो आशा पूरी हो गई। भैया, भैया, ये धन दौलत और जागीर मैं तुम्हें सौंप रहा हूं।
नहीं भैया, भैया नहीं। मेरी आशा को अपनी सविता की तरह पालना, पालना भैया। शांता, अरे आन की आन में ये क्या हो गया? शांता, ये आन की आन में क्या हो गया? क्या हो गया? पता होते ही माँ बाप को पागल। नहीं 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 शांता, नहीं शांता। शांता, ऐसा ना बोल। माँ, तू मुझे अपनी बेटी क्यों नहीं कहती? अरे छी, मनुष्य कही की तेरे पैदा होते ही तेरे माँ बाप भगवान के वहाँ चले गए। जोर से दबा, चल हट यहाँ से। क्या हुआ मेरी लाडली? क्या हुआ, क्या हुआ बेटी? कुछ नहीं। अच्छा बेटा, जा। शांता, इस बच्ची ने क्या गुनाह किया था जो तुमने इसे मारा? हाँ, क्या गुनाह किया था जो तुमने इसे मारा? अरे इतनी अच्छी लगती तो दूसरे किसी मकान में ले जाकर रखो ना उसे। देखो, उस भुलाव में न रहना, जिस बंगले में रह रही हो उसी बच्ची का है, और जो ऐश कर रही हो, मिठाई खा रही हो, इसी की बदौलत, समझी? अरे वाह, हाँ। जब था तब था, अभी तो मेरा है, मेरा। हाँ हाँ, तुम्हारा है। आशा, ला मैं तुझे मदद करूं। नहीं, ये तेरा काम नहीं है। आशा, माँ कितनी खराब है ना, तुझे बार बार मारती है। अगर गलती होगी तो मारेगी ही ना, लेकिन माँ तो कभी कभी तुझे ऐसे ही मारती है, तू पिताजी से शिकायत क्यों नहीं करती? मेरी जुबान तो जन्म से ही बंद है। आशा, ले बेटा। अरे जीती रहे मेरी गुड़िया। आशा बेटी, देखो मैं तुम्हारे लिए कितनी अच्छी गुड़िया लाया हूँ, लो लो। मुझे तो कितना सारा काम है, गुड़िया खेलने के लिए मुझको समय ही नहीं मिलेगा। ऐसा न कहो बेटी, ये दिन तो तुम्हारे खेलने के हैं। लेकिन माँ, नहीं नहीं, मैं नहीं खेलूंगी। मेरी रानी बिटिया की आंखों में आंसू। हंसो बेटी, हंसो हंसो हंसो। अरे हंस। हंसू कैसे, मेरे नसीब में तो रोना ही लिखा है। अरे मेरी लाडली, ऐसा ना बोल, ऐसा ना बोल मेरी लाडली। बहन, आज तुमने नए नए कपड़े पहने हैं, क्या बात है? तुझे मालूम नहीं, आज रक्षाबंधन है। रक्षाबंधन? हाँ, आज हर बहन अपने भाई को राखी बांधती है। मेरा भाई कौन है? मेरे भैया, वो तेरे भैया। ले बांध राखी। अरे नहीं नहीं, ये क्या कर रही है? मेरे बच्चों को नजर लगा रही है चुड़ैल। जा यहाँ से, निकल। उम्र बड़ी करे भगवान, मेरे बच्चों की उम्र बड़ी करे, मेरे बच्चों की उम्र बड़ी करे। अरे तू यही खड़ी है, नहीं जाएगी, तेरी आंखें फूटे चुड़ैल। नाग देवता
नाग देवता की पूजा क्यों करती हो? नाग देवता की पूजा करने से सब कुछ मिल जाता है। अगर मैं पूजा करूँ तो मुझे मेरा भाई मिल जाएगा? हाँ जरूर मिल जाएगा। जाओ बेटी तुम भी पूजा करो। अच्छा हे नाग देवता, तुम तो सचमुच दया के देवता हो। इस दुनिया में मेरा कोई नहीं, माँ बाप मेरे पैदा होते ही इस दुनिया से चल बसे। मेरे जीवन का एक ही अरमान है कोई मेरा भाई बने, मगर इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसका हाथ पकड़कर मैं उसे अपना भाई कह सकूं। क्या तुम मेरा ये सपना पूरा करोगे? क्या तुम मेरे भाई बनोगे? बोलो बोलो ना नाग देवता। ओ नाग राजा रे, ओ नाग राजा मेरे पास आजा, ओ नाग राजा मेरे पास आजा। एक नन्ही मुन्नी बच्ची तेरे दरवाजे पे आई, बोल रे दयालु बोल रे, क्या तू बनेगा मेरा भाई? ओ नाग राजा मेरे पास आजा रे। एक तो क्यारी
बहन तुम्हें पुकार रही है, उसका इस दुनिया में कोई नहीं है। तुम उसके भाई बनकर उसे राखी बनवाओ, वो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। जाओ। नहीं बहन, उठो। कौन हो तुम जिसको तुम अभी अभी याद कर रही थी? तुम्हारा भाई नाग भाई। नाग भाई? हाँ बहन, लो मुझे राखी बांधो। घबराओ नहीं, तुम्हारे बंधन को मैं जीवन भर निभाऊंगा, और समय आया तो तुम्हारे लिए अपने प्राण भी त्याग। बहन ये लो, तुम्हारे भाई की तुम्हारे लिए छोटी सी भेंट। बहन, सविता बहन, सविता बहन, क्या बात है आशा? आज मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा, लेकिन बात क्या है? आओ बताती हूँ। आज मुझको मेरा भाई मिल गया। अच्छा? हाँ, उसने ये अंगूठी दी। हाँ, बहुत अच्छी है। क्या है अंगूठी? देखो, मुझको मेरे नाग भैया ने अंगूठी दी। नाग भैया ने? चोरी भी करती है, झूठ भी बोलती है। हमको बदनाम करेगी क्या चुड़ैल? बोल किसने दी? बोल कहाँ से लाई ये अंगूठी? मैंने चोरी नहीं की, मेरे भैया ने दी। भैया ने? कौन है तेरा भैया? बोल किसने दी? बोल, ले जा इसे। ये तो हीरे की है। ओ माँ। सविता बहन, सविता बहन, मुझको अपनी माँ के पास जाना है। तुम्हें भगवान का घर मालूम है? भगवान का घर तो मुझे नहीं मालूम, वो तो बहुत दूर है। फिर मैं अपनी माँ के पास कैसे जाऊंगी? तो चिट्ठी लिख, फिर माँ आ जाएगी। सविता। आई माँ। हे भगवान, तुम तो सबके रखवाले हो, तुम्हारे द्वार से कभी कोई खाली हाथ नहीं जाता। मैं तुमसे कुछ नहीं मांगती, बस मेरी माँ को भेज दो। लेकिन तुमने मेरी माँ को अपने पास क्यों बुला लिया? देखो, मैंने माँ के नाम ये चिट्ठी लिखी है, ये माँ को जरूर पहुँचा देना। अगर नहीं पहुँचाई ना, तो मैं आज से खाना पीना बिल्कुल बंद कर दूंगी। नहीं, तुम तो बहुत अच्छे हो, पहुँचा दोगे ना? जरूर पहुँचा देना। आशा। आई माँ। अरे सुनती नहीं है? क्या है माँ? खाना नहीं खाने का क्या? नहीं, जब तक माँ नहीं आएगी मैं खाना नहीं खाऊंगी। नहीं खाना है तो भूखी मर जा। रसोई में जो बर्तन रखे वो सब साफ कर जा। और सुन, वो कोने में गेहूँ रखे हैं ना, वो सब साफ कर लेना। अच्छा माँ। जा, खाना नहीं खाना है। नागरानी। क्या बात है? आशा की करुण पुकार सुनकर आपने उसे भाई तो दिया, लेकिन आज उसने हट पकड़ी है कि उसे अपनी माँ चाहिए। उसने भगवान को खत भी लिखा है। कुछ करो। आशा, पिताजी, पिताजी। अरे क्या हुआ बेटी, आशा को क्या हो गया? पिताजी, आशा को बहुत जोर का बुखार है। हाँ, और इसने दो दिन से खाना भी नहीं खाया। खाना नहीं खाया? शांता, शांता। ओए माँ, ओए, हाय माँ, मटका तोड़ दिया। मटका गया भाड़ में। मैं पूछ रहा हूँ, आशा ने दो दिन से खाना क्यों नहीं खाया? क्यों चिल्ला रहे? तो मैं क्या करूँ, खाना वो नहीं खाते, तुम्हें चिल्ला रहे। इसकी जिम्मेदार तुम हो। अरे कमाल है क्या शांता, अगर तुम इसे जरा भी माँ का प्यार देती तो ये नन्ही बच्ची ऐसी जिद कभी न करती, मगर तुम नहीं समझोगी। ये कमाल है। हाँ? आशा मेरी बेटी, बेटी चलो खाना खा लो बेटी। नहीं नहीं, मैं माँ के बगैर खाना नहीं खाऊंगी। अभी तक मेरी माँ नहीं आई भगवान। माँ,
आज 3 दिन हुए उसने अन्न को छुआ तक नहीं। तुम भी एक माँ हो, अगर तुमने इसके लिए कुछ नहीं किया तो वो तड़प तड़प कर मर जाएगी। उसे सिर्फ माँ का प्यार चाहिए। तुम भी उसे माँ का प्यार दे सकती हो। लेकर माता का अवतार तज कर अपना घर और द्वार नाग रानी चली, देने एक दुखिया का दुलार करने एक बेटी को प्यार नाग रानी चली। जो एक बच्ची रोती है आंसू से मुख धोती है, बनाने उसे गले का हार नाग रानी चली, लेकर माता का अवतार नाग रानी उठो बेटी चली। उठो माँ, माँ तुम आ गई, माँ मेरी माँ, अच्छी माँ। माँ मुझे अपने भगवान पर पूरा विश्वास था कि तुम जरूर आओगी। तुम मुझे अकेली छोड़कर कहाँ रहती हो? तुम्हें मुझ पर जरा भी दया नहीं आती? देखो यहाँ सब लोग मुझे मारते हैं, खाना नहीं देते, काम करवाते हैं, देखो हाथ में चाले पड़ गए हैं। सुनो माँ, मुझे अपने साथ ले चलो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। माँ माँ नहीं, नहीं नहीं बेटी, ऐसा मत कहो। देखो बेटी, मैं तुम्हारे लिए खाना लाई हूँ, खाओ खाओ बेटी खाओ। देखो कितना अच्छा है, मीठा भी खाओ। हाँ तुम भी खाओ ना। मैं खाओ? तुम खाओ बेटा, तुम खाओ, तुम खाओ। देखो तुम्हारे लिए कितने अच्छे अच्छे कपड़े लाई हूँ, ये देखो इतने अच्छे कपड़े लाई हूँ, पहनोगी ना? देखो तुम्हारे लिए माला लाई हूँ। माँ तुम कितनी अच्छी हो, तुम रहती कहाँ हो? भगवान के पास। तो तुम मुझे भी ले चलो ना। नहीं नहीं बेटी, ऐसा मत कहो, तुझे तो अभी यहाँ बहुत कुछ देखना है, सारा जीवन पड़ा है। बेटी जब कभी तुझे मेरी जरूरत हो एक चिट्ठी लिखना, मैं आ जाऊंगी। सच? जरूर आऊंगी। सो जाओ, सो जाओ बेटी। सविता बहन, सविता बहन, सविता बहन। सविता बहन, सविता बहन। बहन बहन तुमको मालूम है रात को मेरी माँ आई थी। सर? अरे हाँ। अरे वो बकवास बंद कर, क्या कह रही? उठ। मेरी माँ बहुत सुंदर है, मुझे खाना खिलाया, ये चेन दी। अरे चुप कर भूतनी, तेरी माँ तो मर गई है, वो कहाँ से आएगी? चल जा यहाँ से। शांता, मैंने हजार बार मना किया कि बच्ची पे हाथ मत उठाया करो। हाथ नहीं उठाना चाहिए, इसे मार डालना चाहिए। सुना नहीं तुमने क्या कहती है? मेरी माँ आई थी, मुझसे बातें की, मुझे खाना खिलाया। अरे ऐसा कभी होता है? खाम खा मेरे बच्चों को बिगाड़ रही है। मनुष्य कही की चुड़ैल, ले जाओ इसे मेरे सामने से। क्या हुआ बेटी? पिताजी मैं भगवान की कसम खाकर बोलती हूँ कि माँ आई थी। माँ आई थी? बेटी तू बड़ी भाग्यशाली है, माँ के रूप में तूने साक्षात भगवान के दर्शन किए। तू बड़ी भाग्यशाली है, तू बड़ी भाग्यशाली है। तू बड़ी भाग्यशाली है। आशा, आशा क्या बात है, क्या कर रही हो? अरे बर्तन साफ कर रही हूँ। अरे बाप रे, इतने सारे बर्तन तो अकेली मांजेगी? उसमें क्या हुआ, चल मैं तेरी मदद करती हूँ। नहीं तू ऊपर जा, देखा मैं तुझसे बात नहीं करूंगी। मत दे मुझे, नहीं मांगूंगी। नहीं दे ना, नहीं दे मुझे।
किसी का सुनेगी नहीं। चलो तेरे नहीं जाती। अरे नहीं नहीं नहीं, ये क्या कर रही है चुड़ैल? मेरी बेटी से बर्तन मंजवा रही है। चल उठ, इधर आ, आ इधर चल। हाय 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 हाय, अरे रे 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 रे, चुड़ैल मेरी बेटी के हाथ में चाले पड़ जाएंगे तो अरे तेरा तो सत्यानाश हो जाए। अरे तेरे पांव टूटे, पांव में मेहंदी लगाई है क्या? चल जल्दी आ जा। ये ले गंगा से कपड़े धोकर ला और फिर गाय का दूध निकाल लाना। जा। क्या हुआ चाची? क्या हुआ चाची? हाँ से मनुष्य का मुंह देखा और कुछ न कुछ हुआ। हराम अरे रे रे, तू कितनी अच्छी। अरे मेरी चुपकी मोटी की। अब बता कहाँ से आ रही है? अरे आज रक्षाबंधन है ना, मैं अपने भाई को राखी बांधने गई थी। देख रक्षा मेरे भैया ने कितनी अच्छी साड़ी दी है। अरे हाँ, आज तू अपने नाग भाई को राखी बांधने नहीं जाएगी क्या? जरूर जाऊंगी। जाएगी ना तो फिर जा जल्दी से, जा जा तू ऊपर जा जल्दी से, जा जा जल्दी जा। भैया आज रक्षाबंधन है, मेरी राखी स्वीकार करो और सदा मेरी रक्षा करना। किसी पे क्रूर दृष्टि डालने वाले का यही अंजाम होता है। बहन, भैया, भैया, आज अगर तुम ना आते, तो मैं ऐसा ना कहूँ बहन, मैंने तुम्हें वचन दिया है ना कि इस राखी के बंधन की लाज मैं जन्म भर निभाऊंगा, मैं तुम्हारी रक्षा जरूर करूंगा बहन। भैया, बहन, अरे यहाँ क्या कर रही है मनोज? तुझे मालूम है ना सविता को देखने के लिए आने वाले हैं, चल जाए यहाँ से। कहती हूँ ना चल जाए यहाँ से। मनोज कहती है माँ जी। अरे आओ आओ बेटा आओ। हाँ आओ। माँ जी यही है आपके दामाद। अच्छा कैसे हो बेटा? बचपन में ही इसकी माँ मर गई, इसलिए माँ का प्यार नहीं मिल सका। जैसे इसने आपको देखा उसे लगा अपनी माँ मिल गई। चल 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 चल। अरे सुनते हो, आ गए। बेटा ये मेरी बेटी सविता है। आओ बेटा आओ। क्यों लड़की पसंद है ना?
पापा पसंद है। पसंद है? आज सुनते हो लड़के पसंद है, अब क्या धूमधाम से शादी की तैयारी करो। लड़का धंधा क्या करता है? अरे धंधे को क्या करना है, लड़का अच्छा है बस। बिल्कुल शंकर का होता है, ऐसा लड़का मिलना बहुत मुश्किल है। अब बेटा सब ठीक है ना? सब ठीक है। अरे शांता बहन, अरे अरे तुझे कहा था ना मनोज, जब तक शादी की रस्म पूरी ना हो जाना किसी को शक्ल ना दिखाना, जा जा यहाँ से, जब तक मेरी बेटी विदा ना हो जाए किसी के सामने मत आना, जा फेंक दे वो फूल, अरे फेंक दे कहती हूँ ना, जा यहाँ से। छी 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 छी, राम राम राम, शांता बहन वो फूल बाहर फेंक दो, उसके आस पास के भी फेंक दो, फेंक दो फेंक दो, नहीं तो सर्व सत्यानाश हो जाएगा। छी 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 छी, शांता बहन देखो देखो ये साड़ी आई है, कितनी खूबसूरत है ना, देखो देखो, चलो चलो, अरे बारात आ गई, उठा उठा थालिया, लो तुम ये फूलों को ठोक लो, चलो चलो। हाँ हाँ आ रही हूँ आ रही हूँ आ रही हूँ। अरे कौन है, अब जल्दी करो भाई। अरे जल्दी करो ना, अरे कौन है, देखिए पेपर पढ़ने की जगह है। और क्या है? और क्या है? अरे ओ मोहतलाल, ओ मोहतलाल जल्दी करना यार, शादी का समय बिता जा रहा है, पहले से करने को नहीं होता। आशा आशा क्या हो गया मेरी बेटी, ये क्या हो गया तुझे, ये क्या हो गया? कुछ नहीं जाता जी, आप जाइए, आपकी बेटी की शादी का मुहूर्त बीत रहा है, आप जाइए। अरे मेरी लाडली तू भी तो मेरी बेटी है जी। कुछ नहीं हुआ जाता जी, कुछ नहीं हुआ, आप मेरी बहन का
कन्यादान कौन करेगा? आप जाइए। अमर, आशा का ख्याल रखना बेटे। अच्छा, आराम करो। आपने मेरे लिए इतनी तकलीफ क्यों उठाई? इसमें तकलीफ की कौन सी बात है? अगर तुम ना होती तो आज तुम्हारी जगह मैं होता। नहीं नहीं, मेरी बहन की विदाई हो गई, मैं तो उससे मिल भी ना सकी। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें उसे जरूर मिलवा दूंगा। सच? कहीं वो लोग निकल तो नहीं गए? नहीं नहीं, अभी आते ही होंगे। लो आ गए। आशा दीदी, आशा तू क्यों रो रही है? आशा दीदी, मुझे रोने दो, आज तो आखिरी दिन है, कल से यहाँ कौन होगा जो मेरे आंसू पोछेगा? नहीं नहीं आशा, नहीं, अरे पगली तू रो रही है, मुझे देख, तुझे याद है तूने मुझसे कहा था कि एक राजकुमार आएगा, वो मुझे उठाकर राजमहल में ले जाएगा। हाँ, तेरा सपना सच होगा, मैं सच कहती हूँ। आशा, आज अगर ये ना होते तो शायद मैं तुझसे ना मिल पाती। सच? आशा, अरे पगली, ऐसे मौकों पे नहीं रोते। आशा, चल। ना ना ना, संभाल के। अरे अरे गाड़ी गाड़ी, तू छुपी है कहाँ, मैं तड़पता यहाँ। आप मुझसे शर्मा रहे हैं? मुझसे शर्मा रहे हैं आप? आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। आप भी मुझे बहुत अच्छी लगती है। आपको गाना पसंद है? गाना? हाँ। आपको गाना गाने आता है? हाँ, मुझे गाना गाने आता है। अच्छा, हाँ। तो फिर सुनाइए। अच्छा। ये मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, कब आएगी तू मेरी रानी, मेरी रानी। अरे मेरे राजा, आपकी रानी तो आपके सामने बैठी। देखो, अब हमारा तुम्हारा जन्म जन्म का साथ है। जो पिछले जन्म में पिछड़ जाते हैं ना, वो इस जन्म में मिल जाते हैं। कैसे? वो ऐसे जैसे प्रीतम प्रेमिका से, पति पत्नी से, और माँ बेटे से। माँ बेटे, माँ क्या हुआ? अरे बाबरे, ये क्या हुआ? अरे हट गया बेटा, ये रे क्यों चिल्ला रहे हो? उफ, क्या कर रहे हो? माँ कहो, माँ। लो आ गई माँ। अरे बेटा, अरे, और ये क्या हुआ? मैं तो
तुम्हारे बिना तुम नीचे आओ माँ तुम नीचे आओ क्या बात है बेटा क्या हुआ मेरे बच्चे को अरे अरे ये क्या हुआ हाँ क्या बात है बेटा मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता वहाँ पिछले जन्म में भी तुम मेरी माँ थी और इस जन्म में भी तुम मेरी माँ हो तुम मेरी माँ हो अरे झूठी गांठी मैंने कुछ नहीं किया हाँ कोई बात नहीं बेटा अब तो मेरे पास ही रहना हाँ मैं तुम्हारे साथ चलो कविता अब मेरा बेटा मेरे पास ही रहेगा चलो आप नहीं मेरा नाम अमर है कैसे तबीयत है ठीक हूँ अमर बाबू अमर बाबू नहीं सिर्फ अमर तुमने मेरी जान बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है आशा ये तो इंसान का फर्ज है मगर तुम तो इंसान से भी बढ़कर हो नहीं अमर बाबू मैं तो वो मनुष्य हूँ जिसके इस दुनिया में आते ही उसके माँ बाप ये दुनिया छोड़कर चले गए मैं तो अभागिनी हूँ बहुत ही अभागिनी नहीं आशा जो लड़की मेरी जान बचा सकती है वो कभी अभागिनी नहीं हो सकती आशा कभी नहीं 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 अमर बाबू मैं आपके लायक नहीं आप मुझे भूल जाइए मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता आशा तुम्हें पाकर मुझे ऐसा महसूस हुआ कि तुम मेरी जन्म जन्म की संगिनी हो और इस जन्म में भी मुझे मिल गई आशा तेरी अमर हो गई आशा हो आशा साक्षी रखकर
तुम्हें अपनी जीवन साथी बनाता हूँ। मुझे जाने दो, बहुत देर हो गई है। चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूं। अमर बेटा तूने? जी हाँ। क्या बात है? प्रणाम चाचा जी। जीते रहो। माफ कर दीजिएगा चाचा जी, मैंने आपसे पूछे बगैर एक फैसला कर लिया है। कौन सा फैसला कर लिया है? मैं आशा के साथ शादी करना चाहता हूँ। सुखी रहो बेटा, सुखी रहो। चाचा जी मैं चाहता हूँ कि आप कल ही मेरी माँ से मिलकर तय कर। जरूर 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 जी। अच्छा जी। अच्छा अच्छा आशा। अरे जीती रहो मेरी बेटी, जीती रहे बेटी। परसों के बाद भगवान ने मेरी सुन ली, इसी दिन के लिए जिंदा हूं। अरे मेरी प्यारी तू तो इतना खुश हो रहा है जैसे तुझे कुबेर का खजाना मिल गया। अरे उससे भी बड़ा मिला है माँ, अनमोल रतन है, अनमोल रतन। हाँ अच्छा, क्या खूबसूरत लग। वो कौन लड़की है? कोई भी नहीं माँ, कोई भी नहीं। मुनीम जी। जी माता जी। ये तो सचमुच जवान हो गया जी। जरा पता तो करिए वो कौन खूबसूरत लड़की है। बस अब भी पता करके आया माता जी। लड़की तो देखी बहुत खूबसूरत है, लेकिन लेकिन क्या? मनहूस है, अभागिन है, पैदा होते ही अपने माँ बाप को खा गई। मनहूस है, मनहूस। मनहूस है। बड़ी खुशी की बात है कि मेरे बेटे ने आपकी बेटी को पसंद किया। और आप तो जानते ही हैं कि मेरा इस दुनिया में मेरे बेटे के सिवा कोई नहीं है। उसका सुख वही मेरा सुख। बहन जी मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आशा के पांव सवेली में पड़ते ही रिद्धि सिद्धि आ जाएगी। ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि आपने बेटी को कितने लाड़ प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया है। और आपने तो उसके पिता को मरते समय वचन भी दिया है कि इसकी शादी भी आप अपनी बेटी की तरह ही करेंगे। रही दान दहेज की बात, आपके पास किस बात की कमी है? 25-50 हजार तो मामूली बात है। हाँ लेकिन इतना ना दे दीजिएगा जो मेरी हवेली में ना समाए। दहेज 25 हजार? बहन जी मैंने तो इसके बारे में सोचा भी नहीं था। बेटी ब्याह नहीं निकले हैं ये तो सोचा है ना? हाँ, बेटी का रिश्ता करने आया और बेटी का सौदा करने नहीं आया। हाँ रिश्ता लेकर आए हैं आप, बेटी वाले हैं ये मत भूलिएगा। माँ
माँ क्या है अमर? माँ ये तुमने क्या किया? माँ तुमने आशा के चाचा के सामने कौशल्या का नहीं बल्कि कई कई का रूप दिखाया। माँ तुमने मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है, बहुत बड़ा अन्याय किया है। कोई माँ अपने बेटे के साथ कभी कोई अन्याय नहीं करती। मैंने जो कुछ किया है तुम्हारी भलाई के लिए ही किया है। माँ आशा को मुझसे दूर करके तुम उसे भलाई करना कहती हो? माँ नहीं, माँ 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 उसे अपनी बहू बना लो। माँ माँ उसे अपना लो। माँ नहीं, इस हवेली की शान में कोई अभागन लड़की कलंक नहीं बन सकती। ठीक है, तुम इस हवेली की शान की तरह अपना सर उठाकर मेरे अरमानों की चिता पर अपने हाथ सेकती रहो। मैं देख रही हूं आजकल आप बहुत मनमानी कर रहे हैं। ये छुपा कर क्या ले जा रहे हैं? छुपा कर नहीं, सब कुछ तुम्हारे सामने है। ये जीवरों का डिब्बा मतलब? हाँ, जिसकी अमानत है उसे लौटाने जा रहा हूं, उसके भविष्य के लिए, उसके सुख के लिए। किसी के सुख के लिए आप हमें बर्बाद करना चाहते हैं? शांता तुम जो थी वही रहो, चांद पकड़ने की कोशिश ना करो। मैं ये सब नहीं होने दूंगी, मैं इस घर की मालकिन हूं। तुम मालकिन हो तो मालिक जरूर कोई दूसरा होगा। ये पहले किसी और से बुझाना, मैं कहती हूं ये मुझे दे दो, लाओ। ये नहीं हो सकता। मैं कहती हूं दे दो। मैं कहता हूं हट जाओ, हट जाओ। अब मैं बर्दाश्त कुछ नहीं कर सकता। मनोज ये सब तेरे लिए हुआ, तेरे लिए, ये सब तेरे लिए। चाचा जी ये आपने क्या किया? बेटी मैंने जो कुछ किया तेरे सुख के लिए, तेरी शादी के लिए। शादी? वो तो एक सपना था, मुझे शादी नहीं करनी। चाचा जी मैं जिंदगी भर कुंवारी रहूंगी, मुझे शादी नहीं करनी। और ये सब आपने मेरी? नहीं चाचा जी नहीं, आपको मेरी सौगंध। चाचा जी नहीं बेटी, ऐसे न बोल, ऐसे न बोल बेटी, ऐसे न बोल। Thank you.
रुक जाओ बहन। भैया रो मत बहन, ये क्या कर रही थी? क्या तुम्हें अपने भाई पे विश्वास नहीं था? इसके सिवा मेरे पास और रास्ता भी क्या है भैया? और फिर मैं जीकर भी क्या करूं? ऐसा ना बोलो बहन, मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता। आत्महत्या करना बहुत बड़ा पाप है। पर भैया, चिंता ना करो बहन, मैं तुम्हारी मन की इच्छा पूरी करने में पूरी पूरी सहायता करूंगा। तुम जिसे चाहती हो मैं तुम्हारा विवाह उसी के साथ कराऊंगा, पर मुझे वचन दो कि तुम ऐसा गलत कदम उठाने का कभी सोचोगी भी नहीं। भैया जाओ बहन, घर जाओ, मैं सब ठीक कर दूंगा। चलो हम कहीं दूर चले जाएं, जहां हमारे प्यार में रुकावट डालने वाला कोई ना हो। नहीं नहीं अमर, अब कहीं जाने की जरूरत नहीं। हम दोनों की शादी तुम्हारी माता जी की मर्जी से ही होगी। नहीं आशा, इस जन्म में नहीं। नहीं नहीं ऐसा मत कहो, हम दोनों तो जन्म जन्म के साथी हैं। और मेरे भैया ने मुझे वचन दिया है कि वो तुम्हारी माँ को मनाकर हम दोनों की शादी जरूर करवा देंगे। सच? हाँ, मुझे मेरे भैया पर पूरा विश्वास है। और मुझे तुम पर। माता जी, आपसे कोई मिलने आया? मुझसे? जी प्रणाम माता जी। जीते रहो। कौन हो बेटा तुम? आशा का धर्म भाई। धर्म भाई? माता जी मुझे बहुत दुख है कि मेरी बहन को इस घर की बहू बनाने के लिए आपने सिर्फ 25,000 रुपए मांगे। 25,000 तो क्या मैं अपनी बहन के लिए सर्वस्व दे सकता हूँ? सर्वस्व? ये तो सब कोड़ी कल्पना है। अखंड सत्य है, मैंने 101 बहनों की शादी करवाने का प्रण लिया था। 100 सुहागने बन गई हैं, और अब आपके आशीर्वाद से आशा भी सुहागन बन जाएगी। आप आशीर्वाद दीजिए, मैं दहेज दूंगा। लेकिन माल कहाँ है? माता जी ये तो कुछ नहीं है, मैं और भी बहुत सी चीजें दूंगा। नहीं, मैं धन की भूखी नहीं हूं। भगवान का दिया मेरे पास सब कुछ है। फिर ये सब? जैसे बहू की मैंने कल्पना की थी वो गुण तुम्हारी बहन में नहीं है। वो मनहूस है, अभागिनी है, इसीलिए उसके चाचा चाची अपने गले से उतार कर मेरे गले में बांधना चाहते थे। माता जी, इसीलिए मैंने उनके सामने दहेज का सवाल रखा। माता जी आपने बहुत अच्छा किया, जो अपनी मन की बात कहकर आप एक बहुत बड़े पाप से बच गए। कैसा पाप? आशा को अभागिनी समझने का। माँ जी, दुनिया में जिसका कोई नहीं होता उसे लोग अभागिनी मनुष्य कहते हैं, पर एक धर्म भाई होने के नाते मैं कहता हूँ कि आशा साक्षात लक्ष्मी का रूप है। बेटा। माँ, मैं इस पर भी आपको वचन देता हूँ कि आशा के यहाँ आने से कोई भी अपशगुन हुआ तो मैं उसे वापस ले जाऊंगा। मेरी बातों का विश्वास कीजिए माँ जी, आशा को स्वीकार लीजिए। माँ जी आशा को स्वीकार लीजिए। माँ जी आशा को स्वीकार लीजिए। माँ जी आशा को स्वीकार लीजिए। धन्य हो बेटा, धन्य हो। भाई हो तो तुम्हारे जैसा, मुझे रिश्ता मंजूर है। माँ जी करा देगा। आशा,
प्रणाम माँ। आशा का धर्म भाई। भाई? हाँ माँ जी, मैं इसकी शादी कराऊंगा। ये आपके लिए कुछ गहने हैं। ये गहने? ये, ओ, ये मेरे लिए है? जी हाँ, सब आप ही के लिए। ये तो कुछ नहीं है, और भी बहुत कुछ दूंगा। आप शादी की तैयारी कीजिए, शादी का पूरा खर्चा मैं दूंगा। ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है। अच्छा, अच्छा, आओ बेटी, आओ, आओ, आओ। जा बहन। चल, चल, चल। माँ, क्या बात है बेटा? आज तुम बहुत खुश नजर आ रहे हो। माँ, आज मेरी बहन की शादी है। आज मेरा दिया हुआ वचन मैं पूरा करने जा रहा हूँ। जाओ बेटा, भगवान तुम्हारी इच्छा पूरी करे। आशा, प्रणाम माँ। आशा का धर्म भाई। भाई? हाँ माँ जी, मैं इसकी शादी कराऊंगा। ये आपके लिए कुछ गहने हैं। ये गहने? ये, ओ, ये मेरे लिए है? जी हाँ, सब आप ही के लिए। ये तो कुछ नहीं है, और भी बहुत कुछ दूंगा। आप शादी की तैयारी कीजिए, शादी का पूरा खर्चा मैं दूंगा। ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है। अच्छा, अच्छा, आओ बेटी, आओ, आओ, आओ। जा बहन। चल, चल, चल। माँ, क्या बात है बेटा? आज तुम बहुत खुश नजर आ रहे हो। माँ, आज मेरी बहन की शादी है। आज मेरा दिया हुआ वचन मैं पूरा करने जा रहा हूँ। जाओ बेटा, भगवान तुम्हारी इच्छा पूरी करे। अरे पृथ्वी लोक पर आज बजे एक नागराज की शहनाई, हर एक बहन को मिले प्रभु इस जग घर की ओर सखियों गीत।
रही है दोनों की छाती। अब तो जाने का वक्त है आया, माँ को बेटी ने शीश झुकाया। घर की चिड़िया आज उड़ेगी, कल से ये बगिया उजड़ेगी। जरा कर रे दिल को कठोर, आशा आप शांत रहिए। आपको और कुछ चाहिए तो ये भी ले लीजिए, मेरे सुहाग की निशानी। नहीं नहीं बेटी, हम इतने बुरे नहीं हैं। बेटी वाह बापू, अपनी बेटी को सुहागन से अभागन बनाकर अब उसका सुहाग उजाड़ने पर तुले हुए हो, धन्य है बापू। नहीं नहीं बेटी, ऐसा न कहो। आज मुझे मालूम हुआ कि दुनिया में बाप और बेटी का भी कोई रिश्ता होता है। ये गहने वापस ले लो, ये गहने वापस ले लो, और एक बाप की तरफ से बेटी को ये भेंट। नहीं बापू, ये भी मेरी जैसी किसी सुहागन से छीना हुआ होगा, ये भेंट के लायक नहीं। बेटी आज तक मैंने जिंदगी में पाप ही पाप किए हैं, लेकिन आज तेरे सामने इस बंदूक की कसम खा के कहता हूं कि मैं आज से मेहनत की कमाई खाऊंगा। सदा सुखी रहो बच्चों। माजी माजी, क्या बात है? बारात आ गई। बारात आ गई? अरे ओ पंडित जी कहाँ? ओ पंडित जी जल्दी आओ, जल्दी से पूजा की तैयारी करो। चलो, अरे ओ शारदा बहन जल्दी आओ, बारात आ गई। अरे ओ दमयंती बहन जल्दी से कपड़ा ले आओ, जल्दी लाओ। चलो तुम लोग तो बस, अरे तुम लोग चुपचाप क्यों खड़े हो? चलो बड़ी भाई भाग्यशाली है, अगर आज ये न होती तो हम सब के साथ डाकू गए तुम्हारे जाते।
आशा ए आशा अरे तुम्हारा मेरा ये मधुर मिलन ये सुख ये खुशी सब तुम्हारे भाई की देन है। भगवान करे हर बहन को मेरे भाई जैसा भाई मिले और हर पति को तुम्हारे जैसी पत्नी। बस बहुत हो गया। ओ थोड़ा लड्डू खाऊंगा मां। मैंने कहा मैं भी खाने के लिए बैठा हूँ। अरे जरा ठहरिए भी, कौन सी गाड़ी छुट्टी जा रही है? पहले बेटे को तो खिला दो। ठीक है, बेटे को गले तो खिला दो। हाँ अच्छा अच्छा हाँ अरे अरे खाना। अच्छा अच्छा जीती रहो बेटी, जैसे तुम्हारे भाई ने कहा था तुम तो बिल्कुल वैसे ही साक्षात लक्ष्मी हो। लेकिन बेटी तुमने ये ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं? लो अच्छे अच्छे कपड़े पहनो, खूब सारे जेवर पहनो, और ये बोझ आज से तुम्ही को संभालना है। लो। लेकिन माँ जी इतना बड़ा बोझ। बेटी अब तो तुम इस घर की बहू रानी हो और ये अधिकार आज से तुम्हारा है। रानी जी हमारे अधिकार का क्या होगा? अमर मामा कैसी माँ? ठीक है। बेटा मैं बहुत दिनों सोच रहा हूँ कि तुमसे कुछ कहूँ। कहिए ना बापू कहिए, आप बैठिए ना। तो मैं कहना चाहता हूं कि इंसान की जिंदगी में एक दिन ऐसा भी आता है जब वो अपने पांव पर खड़ा होना चाहता है। बाबू मैं तो खड़ा हूं अपने पांव पे। गधा भी अपने पांव पे खड़ा रहता है, लेकिन फर्क इतना है कि वो चार पांव पे या तुम दो पांव पे। तुम्हारे दिमाग में तो भूसा भरा हुआ। मैं कहता हूं, मेरी बात गौर से सुनो। मैं चाहता हूं कि कुछ कारोबार करके तुम अपना एक घर बसाओ, तुम्हारा एक सुखी संसार हो। लेकिन बापू मैं दुखी थोड़ी हूं। बिल्ली के बच्चे की तरह भाग रहा है। ये घर तेरा है, मेरा मतलब नहीं समझा? मैं चाहता हूं कि तुम एक अलग घर लेके रहो। लेकिन बापू अगर मैं अलग घर लेकर रहूंगा तो मेरी माँ की देखभाल कौन करेगा? मैं मर गया हूँ क्या? लेकिन बापू कितना टाइम बाकी आपको? क्या? माँ निकल जा यहाँ से। क्या बकरे क्या चला रहा है? निकल बापू। मैं कहता हूँ इस नमूने को निकालो यहाँ से। अरे मगर क्या किया इसने? मैं नहीं चाहता ये इस घर में रहे। नहीं रहेगा। उठो पतिदेव उठो। जाने के पहले एक बार मैं अपनी माँ को गले लगा लू। माँ इसे अच्छी तरह संभालना। चलो स्वामी देव चलो। अच्छा बाबू निकल जाता हूँ। चलो।
डर गई ना पगली। अच्छा जा, तू अंदर का काम कर, ये मैं साफ करती हूं। नहीं मालकिन, ये आपका काम नहीं है। क्या किसका काम है ये मुझे अच्छी तरह मालूम है। ठीक है जाओ। बहू तुम्हें काम नहीं करना चाहिए, तुम्हारे इन कोमल हाथ में छाले पड़ गए तो। गंगा इधर आओ। जी आई। देखो याद रहे, बहू से कोई काम मत करवाना। हाँ चलो आओ। शरद पूनम की रात है जिरे, आज चंद्र उगा है आकाश। अरे कंचन वर्णी सहेलियों, जरा जम कर खेलो रास। Thank you.
पूनम की प्यारी प्यारी रात, मेरी साजन से है मुलाकात, के आज तू मत छोड़ो ना, छोड़ो ना, छोड़ दूं तो छोड़ दिया, मगर एक बात बताओ, तुम अपने साजन से कैसी मुलाकात करना चाहती हो? जाओ, नहीं बताती। नहीं बताओगी? बताने की भी क्या जरूरत है, हम तो समझ गए। माँ जी, माँ जी, गुरुदेव पधारे हैं, पधारिए गुरुदेव। पधारिए गुरुदेव। जीती रहो। अमर की शादी में आप नहीं आए तो मुझे ऐसा लगा जैसे आपकी कृपा हम लोगों पर से कुछ कम हो गई है। नहीं बेटी, ऐसी बात नहीं, हमारा क्या भरोसा, आज यहाँ कल वहाँ, अमर कैसा है? आपकी कृपा से अच्छा है गुरुदेव, बहू तो इतनी सुंदर मिली है कि क्या कहूँ, इतनी गुणवान, इतनी भाग्यशाली, जब से वो घर में आई है मानो साक्षात लक्ष्मी आ गई हो। गुरुदेव, आप उसका हाथ देखकर बताइए कि मैं दादी माँ कब बनूंगी। जाओ ले आओ। बहू आइए। बहू जी, एक बहुत बड़े ज्योतिषी आए हैं जी, मैं उन्हें तुम्हारा हाथ दिखाना चाहती हूँ। मैं अपना हाथ नहीं दिखाऊंगी। क्यों, क्या नहीं है मेरे पास? इतनी अच्छी माँ जैसी सास है, इतने अच्छे वो हैं, इतना अच्छा घर है, जिस चीज की इच्छा करती हूँ मुझे मिल जाती है, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन बेटी, मुझे भी तो कुछ चाहिए। क्या? मैं तुम्हारी गोद भरी देखना चाहती हूँ। चलो आओ। गुरुदेव को प्रणाम करो बेटी। प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव, मैं आपके लिए जलपान लाती हूँ। क्या हुआ गुरुदेव, आप बोलते क्यों नहीं, क्या बात है? बेटी, जो बात है वो बात बात नहीं, तुम्हारे जीवन का भयानक सत्य है जो तुम सुन नहीं सकोगी। गुरुदेव, जब मैं पैदा हुई थी ना, तब से ये दुनिया वाले मुझे मनहूस और अभागिन कहते आए हैं। जन्म से मैंने इतने दुख सहे हैं कि अब मुझे इसकी आदत हो गई है। खुशी तो मुझे अभी अभी मिली, और अब तो मेरा दिल ऐसा पत्थर हो गया है कि अगर इस पर बिजली भी गिरे तो उसका कोई असर नहीं होगा। बेटी, बेटी, तो तुम्हें मुझे वचन देना होगा, ये बात तुम अपने पति से या सास से नहीं कहोगी, नहीं तो ये घर, इस घर की खुशियां बर्बाद हो जाएंगी। गुरुदेव, ऐसी क्या बात है जिससे इस घर की खुशियां बर्बाद हो जाएंगी? अब मुझसे नहीं रह जाता गुरुदेव, बताइए ना क्या बात है, बताइए ना गुरुदेव। बेटी, बेटी सुनेगी तो सुन, आज 6 महीने बाद तुम्हारे पति की मृत्यु हो जाएगी। Thank you.
आशा क्या देख रही हो? कल की पूनम की रात कितनी प्यारी थी, कितने खुश थे हम लोग। अगले साल इस त्योहार को हम बड़ी धूमधाम से मनाएंगे और अगले साल हम सिर्फ दो थोड़ी होंगे। अच्छा सुन, गुरुजी ने हमारे तीन होने के बारे में कुछ कहा? शर्मा गई। गुरुजी के मुंह से निकली हुई बात कभी झूठी नहीं होती। वाह वाह, कितनी सुंदर जोड़ी है, जैसे सत्यवान और सावित्री। कितना प्यार इन दोनों में, भगवान करे इन दोनों की जोड़ी सदा सलामत रहे। मुझे ऐसा लगता है कि सत्यवान के लिए ही सावित्री ने जन्म लिया है। आइए सावित्री जी, सत्यवान आपका इंतजार कर रहा है। तुम रो क्यों रही हो? नहीं नहीं, मैं कहाँ रो रही हूँ, चलो सो जाओ। तुम नहीं सोगी? मेरी आंखों से तो नींद उड़ गई है। क्यों, तबीयत खराब है क्या? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, जी करता है तो मैं देखती ही जाऊं, तुम पर से अपनी नजर ना हटाऊं। पागल हो गई हो, मैं कहीं जाने वाला हूँ क्या? बेटी, तू कुछ खा नहीं रही है? मेरी तो भूख ही मर गई है। क्या बात है, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ। बेटा, तुम दोनों में कोई अनबन तो नहीं हो गई? नहीं मां। फिर बहू पता नहीं क्यों उदास उदास रहती है। पता नहीं क्या हो गया इसे, इसके दिल की यही जाने। तुम्हारे भैया नहीं आए बेटी अभी तक? आते होंगे माँ जी। माँ, चाहे आंधी आए या तूफान, लेकिन आज के दिन वो जरूर आएंगे। आशा, लो आ गए भैया। जुग जुग जियो बहन। प्रणाम माँ। जीते रहो बेटा, बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी, याद करते ही आ गए। आपका आशीर्वाद चाहिए माँ। माँ, ये भाई बहन के बीच हमारा क्या काम? चलो यार। चले साहब, ठीक हो ना? आओ भैया, आओ भैया, बैठ जाओ। सदा सुखी रहो। अखंड सौभाग्यवती रहो। क्या हुआ बहन? आशीर्वाद देते समय मुझसे कोई भूल हुई? माताजी ने कुछ कहा? जी से झगड़ा हुआ है? क्या हुआ बहन, क्या हुआ बहन? कौन है वो जिसने तुम्हारी आत्मा को दुख पहुंचाने का साहस किया? क्या हुआ बहन, बताओ बहन, तुम्हें बताना पड़ेगा, तुम्हें जरूर बताना पड़ेगा बहन, कौन है वो? तुम्हें मेरी सगन बहन कौन है वो, कौन है? बहन,
सच सच बता बहन, मुझे सच सच बता। सुनना चाहते हो तो सुनो। शरद पूर्णिमा की रात को एक ज्योतिषी आए, उन्होंने मुझसे कहा कि आज से 6 महीने बाद तुम्हारे पति की मृत्यु हो जाएगी। नहीं नहीं, ये झूठ है, ये झूठ है, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। ये सच है भैया, और अब तो मुझे भी पूरा विश्वास हो गया है कि मैं सचमुच बहुत मनहूस हूं। नहीं बहन, ऐसा ना कहो बहन, ऐसा ना कहो, चिंता ना करो बहन, भगवान भोलेनाथ बड़े दयालु हैं, वही तुम्हारे सुहाग की रक्षा कर सकते हैं। तुम उनके 16 सोमवार के व्रत का आरंभ करो, ये व्रत आधी रात को करना पड़ेगा, और ध्यान रहे इस व्रत का पता किसी को ना चलने पाए। अगर इस व्रत का किसी को पता चल गया या व्रत टूट गया तो अनर्थ हो जाएगा बहन। अगर सचमुच इस व्रत को करने से मेरे पति की जान बच सकती है तो मैं ये व्रत जरूर करूंगी, जरूर करूंगी, जरूर करूंगी। हे भोलेनाथ, मेरी बहन ने 16 सोमवार के व्रत का आरंभ किया है, इसे पूरा करने में तुम इसकी सहायता करना प्रभु। प्रभु कैसा खेल ये तेरा, प्रभु कैसा खेल ये तेरा, जो तूने लिख दिया मेरा लेख वो मुझसे जायन फेरा। प्रभु कैसा खेल ये तेरा, कैसा खेल ये तेरा, राह न जानू बाट न जानू, बता कहाँ मैं जाऊं, बता कहाँ मैं जाऊं, रूठी हुई अपनी किस्मत को कैसे हाय मनाऊं, कैसे हाय मनाऊं, मेरे चारों तरफ अंधेरा। प्रभु कैसा खेल ये तेरा, कैसा खेल ये तेरा। कहाँ जा रही हो? आपके लिए शाल लेने। मेरे लिए तुम्हारा प्यार ही काफी है। हे जगत पिता, कुछ ऐसा कर मेरी बिगड़ी बात बन जाए, मेरी बिगड़ी बात बन जाए। प्रभु कैसा खेल ये तेरा, कैसा खेल ये तेरा, प्रभु कैसा खेल ये तेरा, कैसा खेल है तेरा। अरे चाची, आप कहाँ गई थी इतनी रात? गए आधी रात को कौन से भूत प्रेत की पूजा करने जाती है चुड़ैल? अभी तक तेरी पुरानी आदत नहीं गई चाची। समझन, आशा अब मेरे घर की बहू है, इसलिए जरा मुंह संभाल कर बात करो, समझी? समझी, मैं तो सब समझती हूँ, मगर तुम ना समझो तो एक दिन ये जादूगरनी तुम्हारे घर का सत्यानाश कर देगी।
अरे मैं तो इसे जन्म से जानती हूँ, कभी इसकी भूतनी माँ आती है, कभी इसका नाग भाई आता है। मैं तुम्हें क्या क्या बताऊँ, क्या क्या नहीं करती है। मुझे क्या, तुम जानो और तुम्हारी बहू, मैं तो ये चल। बहू तुम कहाँ गई थी? बहू बोलो, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। बोलो बहू, मैंने इस घर के सारे अधिकार तुम्हें सौंप दिए हैं, लेकिन इतना पूछने का अधिकार तो मुझे है कि तुम कहाँ गई थी? बोलो बहू। माँ जी, इस राज को राजी रहने दो, इसी में सबकी भलाई है। नहीं, जब तक मैं इस राज को न जान लूं, तुम इस हवेली से बाहर नहीं जा सकती। सोच रही हो बहू, जाना चाहती हो? तो इतना याद रखो, एक बार इस दहलीज से कदम बाहर रखने के बाद इस घर के दरवाजे हमेशा के लिए तुम्हारे लिए बंद हो जाएंगे। प्रभु कैसा प्रभु कैसा खेल ये तेरा, प्रभु कैसा खेल ये तेरा, जो तूने लिख दिया मेरा लेख वो मुझसे जायन फेरा। प्रभु कैसा खेल ये तेरा। तुम पर मेरा पूरा विश्वास है, तुम मुझे अकेला छोड़कर कभी नहीं जाओगी, कहीं नहीं जाओगी। मैं अकेली जा भी कहां सकती हूं? मेरी बहन की जिंदगी में आग लगाने की कोशिश की है, उसे मैं श्राप देता हूं, वो भी तड़प तड़प कर मरेगा। शांता, अरे भगवान, ये तूने क्या किया? शांता, शांता, ये तुम्हें क्या हो गया? शांता, पाप और पुण्य का हिसाब इस दुनिया में मिल जाता है। लोग कहते हैं किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। शांता, किसी का दिल दुखाना दुनिया में बहुत बड़ा पाप है। शांता, मुझे ऐसा लगता है उस मासूम बच्ची की हाय तुझे लग गई। आज 6 महीने बाद तुम्हारे पति की मृत्यु हो जाएगी। आज 6 महीने बाद आज तुम्हारे पति की मृत्यु हो जाएगी। पति की मृत्यु हो जाएगी। 6 महीने बाद तुम्हारे पति की मृत्यु हो जाएगी।
आज मेरी बहन के सुहाग का अंतिम दिन है, अब क्या होगा माँ? आशा, ए आशा, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। आशा, ओ आशा, लो इसे पहन लो। आज फिर से मैं तुम्हें दुल्हन के रूप में देखना चाहता हूं। सोच रही हो, तुम्हें इतना भी याद नहीं आज हमारी शादी की पहली सालगिरह है? और ऐसे खुशी के मौके पर तुम्हारी आंख में आंसू? दिन का तो इंतजार हर एक सुहागन करती है। आशा, कहीं ऐसा ना हो मेरा सपना अधूरा रह जाए। अरे आज तो अपनी शादी की पहली सालगिरह है और ये दिन बार बार थोड़ी आते हैं, कहीं ऐसा ना हो ये दिन फिर कभी देखने ना मिले। मैं तो मजाक कर रहा था। अरे तू रो क्यों रही है रे? शायद मैं तुम्हें तंग करता हूं ना, तो फिर रो क्यों रही है? अरे हास ना, हास हास, चल चल चल, हास 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 हास। अच्छा चल, आज मैं तुम्हें अपने हाथों से सजाऊंगा।
हम दोनों एक हो जाए। आशा, आशा, मैं पूछता हूं वो कौन सी बात है जो तुम्हें मुझसे अलग कर रही है? कौन सा राज है जो तुम मुझसे छुपा रही हो? मैंने बहुत बर्दाश्त किया है आशा, लेकिन उसकी भी एक हद होती है। मैंने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया? तुम्हें सुख देने के लिए अपना सब कुछ तुम पे निछावर कर दिया। लोगों ने मुझे तुम्हारे बारे में क्या कुछ नहीं कहा, लेकिन मैंने किसी पे विश्वास नहीं किया। लेकिन आज तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया है। बताओ वो कौन है जो हम दोनों के बीच एक दीवार बनकर खड़ा हो गया? बोलो, बोलो, बताओ। ठीक है, ठीक है, अगर तुम मुझसे ज्यादा उसे प्यार करती हो तो मैं तुम्हारी खुशी के लिए दुनिया भी छोड़ सकता हूं। नहीं, 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 ऐसा मत कहिए। मैं आपके सिवा और किसी के बारे में सोच भी नहीं सकती, और आपके सिवा मेरा इस दुनिया में होने एक कौन? ये झूठ है, सरासर झूठ। तुम औरत के नाम पर कलंक का टीका। तुमसे कोई प्यार करे तुम इस लायक ही नहीं हो। कितनी शांति थी उसका, पर तुम्हारी वजह से ये घर अशांत हो गया। किस सुख की कमी थी तुम जो तुमने हमारा सुख छीन लिया, हमारी खुशियों को बर्बाद कर दिया? तुम सचमुच ही मर रहे हो।
लेकिन लेकिन मुझे तुझसे कोई शिकायत नहीं। तूने बचपन से मुझे दिया ही क्या है? सिर्फ दुख, सिर्फ दुख, दुख के अलावा और कुछ नहीं दिया। लेकिन कल जब सूरज निकलेगा तो ये दुनिया वाले क्या कहेंगे कि मनु अपने पति को भी खा गई? नहीं भगवान, नहीं, ये मुझसे सहन नहीं होगा भगवान, ये मुझसे सहन नहीं होगा। ये सुनने से पहले मैं तेरी ये दुनिया छोड़ दूंगी, छोड़ दूंगी, मैं तेरी ये दुनिया छोड़ दूंगी भगवान। मरने से पहले मेरी एक ही अंतिम इच्छा है भगवान, मुझे मुझे मेरे भाई से मिला दो। क्या मेरी आखिरी इच्छा पूरी नहीं करोगे? मुझे मेरे भाई से मिला दो भगवान, मेरे भाई को मेरे पास भेज दो भगवान, मेरे भाई को मेरे पास भेज दो। Oh,
बहन। आज तक तुम्हारे गले का श्रृंगार बन के रहा हूं, मैंने आज तक मेरे लिए कुछ भी नहीं मांगा, पर आज देवलोक को कलंक लगे ऐसी घड़ी आ गई है। एक निर्दोष स्त्री जो जन्म से अभागिन है, मैंने उसे अपनी बहन मनाया है, उसे अखंड सौभाग्यवती का वरदान दिया है, और आज उसका सुहाग लूटने वाला है। अगर आज मेरा वरदान निष्फल गया प्रभु, तो दुनिया में कोई भी देवता की पूजा नहीं करेगा। प्रभु तुम मेरे प्राण ले लो, मेरी बहन के सुहाग को बचा लो। प्रभु मेरी बहन के सुहाग को बचा लो, तुम मेरे प्राण ले लो। प्रभु तुम मेरे प्राण ले लो। प्रभु तुम मेरे प्राण ले लो। बेटा 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 ये मुझे क्या हो गया था माँ? कुछ नहीं बेटा, तेरे ऊपर से संकट की छाया टल गई। भगवान भगवान हमारे, बस वही रुक जा। जी। अरे मनहूस, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था जो तू मेरे पीछे पड़ी है। चली जा यहाँ से, भगवान के लिए तू यहाँ से चली जा। उठो बेटी, उठो। हम सब जानते हैं, सब जानते हैं। गुरुजी, जीती रहो। चिरंजीव रहो अमर। बेटी, हम तुम्हारी आंखों पर पड़ा हुआ वहम का पर्दा हटाना चाहते हैं। उस दिन हमने आशा का भविष्य देखकर उसे कहा था कि 6 महीने के बाद उसके पति की मृत्यु होगी। इस अमंगल को टालने के लिए इसने रात रात जागकर भोलेनाथ की आराधना की, लेकिन आप लोगों ने इस पर वहम करके इसका व्रत पूरा नहीं होने दिया, और इसीलिए आज अमर के साथ ही दुर्घटना हुई। लेकिन अपनी श्रद्धा के बल पर इसने अमर को नया जीवन दिया और विधि के विधान को बदल दिया। धन्य है भारत की नारियां जो हमारी आशा की तरह स्वयं जलकर दूसरों को प्रकाश देती, जिनके भाग्य में सुखभोग नहीं आंसू ही आंसू है। और धन्य है इसका भाई जिसने अपनी बहन की सुहाग की रक्षा के लिए अपने जीवन का बलिदान दे दिया। नहीं भैया, नहीं भैया, भैया। भैया, ये तुमने क्या किया? भैया ये तुमने
मेरे सुहाग के लिए इतना महान त्याग, नहीं भैया, नहीं नहीं भैया, ये नहीं हो सकता। भगवान, हे भगवान, तू तो सचमुच दया का सागर है, तूने इनकी बात मानकर इनके प्राण ले लिए और मेरे सुहाग का दीप जलाया। अब मेरी बात नहीं मानोगे, मेरे प्राण ले लो भगवान, मेरे प्राण ले लो, पर इनको जिंदा कर दो। इस दुनिया को मेरी कोई जरूरत नहीं, रहूं या ना रहूं, पर इनकी बहुत जरूरत है। न जाने ये मेरे जैसे कितनी दुखी बहनों के भाई हैं, कितने दुखी लोगों के लिए सुख का सवेरा है। भगवान मेरे प्राण ले लो, भगवान मेरे प्राण ले लो, हे भगवान मेरे प्राण ले लो, पर मेरे भाई को जिंदा कर दो भगवान। हे भगवान, हे भगवान, मेरे प्राण ले लो भगवान, पर मेरे भाई को जिंदा कर दो, मेरे भाई को जिंदा कर दो भगवान, मेरे भाई को जिंदा कर दो। भगवान, भगवान, बहन, भैया, भैया, मेरे भैया, भैया, हे भगवान, तुमने मेरी प्रार्थना सुन ली भगवान। बहन, दुख की रात बीत गई, सुख का सवेरा हो गया। भैया, मेरी एक ही इच्छा है, मेरी माँ को अच्छा कर दो। इसने मुझे बचपन से बहुत प्यार से बड़ा किया है, इसे अच्छा कर दो भैया। बहन, तेरी यही इच्छा है? हाँ। आशा, आप आशा मुझे माफ। नहीं, नहीं।